जगदाधार जगदीश्वर प्रभु परमेश्वर अखंड ज्योति स्वरूप परिपूर्ण परमात्म स्वरूप साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठी सत संगत रसना पवित्र करो उचारो सतनाम फिर विचारो सतनाम उचारण करो सतनाम साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का पावन प्रकाश पर्व है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अरदास करदिया बेनती करदिया श्री मुखवाक दे विच पूर्ववर्ती गुरु साहिबान दा ध्यान करदे होए सतगुरु हरकृष्ण साहब महाराज बारे वचन कीता श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस रिठे सब दुख हो जाए। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के दर्शन की यह महिमा शरीरक रोग मानसिक रोग सारे दूर हो जाते हैं। जीवन के विच कोई आदि व्याधि उपाधि नहीं रह जाती। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज बड़ी छोटी जी उम्र के विच 5 साल की उम्र के विच गुरु हर राय साहब ने अपने देव लोग गमन तो पहले अपने छोटे सपुत्र गुरता गद्दी ते असीन कर देता। उम्र बड़ी छोटी सी 5 साल की। सतगुरु गुरु हर राय साहब महाराज के 2 सपुत्र सन बाबा राम राय गुरु हरकृष्ण साहब। बाबा राम राय भी बड़े सुयोग सन सुपठित सन विद्वान सन। औरंगजेब ने जदों गुरु हर राय साहब नूं अपने पास बुला भेजिया उसका कारण सी उसके मन में कुछ संदेह सन गुरबाणी के प्रति। वो अपने शंकिया की निवृत्ति करना चाहता सी। गुरु हर राय साहब आप नहीं गए बाबा राम राय नूं भेजिया और बाबा राम राय ने बहुत सुंदर व्याख्या की थी गुरबाणी की जेडे औरंगजेब के मन में कुछ शंके सन संदेह सन वो निवृत्त किए। पर एक ऐसी घटना घटी कि बाबे राम राय ने औरंगजेब नूं प्रसन्न करन वास्ते एक शब्द का हेर फेर कर दिता। बाणी का वचन सी सतगुरु गुरु नानक देव महाराज के पावन बुखार बिंद तो उचारण की हुई मिट्टी मुसलमान की पेड़ पाई कुम्हार। औरंगजेब ने पूछा ए क्यों। बाबा राम राय कहने लगे नहीं मिट्टी मिट्टी बेईमान की। इतिहासिक विचार है तंगुरु हर राय साहब भी गल चंगी नहीं लगी सुभाविक है क्यों ये जिहड़ी बाणी है ये तुरकी बाणी है अपौरुषीय है किसी पुरख की कृत नहीं। सतगुरु की बाणी में एक वचन आया जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इस बाणी के विच किसी को इस गल का अधिकार नहीं कि वह कोई शब्द या लगा मात्रा इस दे विच कोई परिवर्तन कर सके दीर्घ ह्रस्व दे विच कोई परिवर्तन कर सके। बाणी जीवन दे विच शुद्ध पढ़नी चाहीदी है। बाणी दे विचार मन विच होनी चाहीदी है ते जे किते बदलाव हो जाएगा ते अर्थ दा अनर्थ हो जाएगा। गुरु हर राय साहब नूं इह गल चंगी नहीं लगी। हुण गुरता गद्दी दे अधिकारी बने धन गुरु हरकृष्ण साहब। उम्र बड़ी छोटी जी सी सुभाव विच हलीमी सी निम्रता सी सब दे नाल प्रेम करदे सन
गुरबाणी के प्रति अथाह श्रद्धा रखते सन। छोटी जी उम्र दे विच ही नितनेम दे विच रुचि सी और सतगुरु गुरु हरदाय साहब ने अपने देव लोक गमन तो पहला गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने गुरगद्दी ते सुशोभित कर दिया। छोटी उम्र होना और अध्यात्मकता दे विच उच्चता होना ये बड़ी बड़ी गल है, पर वास्तव में विचार करिए कि अध्यात्मक दृष्टि तो मन की व्यक्ति की उचाई जिहड़ी है इस दे नाल उम्र का कोई मतलब नहीं है। जे इस गल ते विचार कर लईए तो दो पुरखां दी गल आउंदी है। बाबे कबीर ने एक वचन कीता, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। परमेश्वर का नाम जप किवें करो, उदाहरण कहिड़ी दित्ती, जिवें ध्रुव ते प्रहलाद ने परमेश्वर के नाम का जप किया। ध्रुव की कितनी उम्र सी? 5 साल की उम्र सी। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बालक, 5 वर्ष की उसकी उम्र सी। और जब उसने साधना की थी अपने पिता की गोद विचों सौतेली माता के द्वारा उठा दिता गया, अपमान किया गया, और सौतेली मां ने गल कही कि तू इस पिता की गोद विच बैठना चाहता है ना, अपने पिता की गोद विच बैठना चाहता है, तो फिर जाके तप कर, फिर तेरा जन्म मेरे तो होएगा, ते फिर जाके तू कि पिता की गोदा अधिकारी हो सकता है। मां ने गल कही और जाके अपनी माता ने जो गल पूछी, मां ने कहा कि तू उतानपाद की पत्नी है कि दासी है। ध्रुव हसदा घरे आया, कर प्यार प्यो को छुट लीता, बाहों पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरे ही कीता, ढू लिखा मां पूछे तू सवाणी है के सरीता, सवाणी हां मैं जन्म दी, नाम न भगती कर्म दृढ़ता। ध्रुव ने के गल पूछी, किस उत्तम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मिता। मां ने कहा परमेश्वर आराधी है, जिद्दू होइया पतित पुनीता, परमेश्वर की आराधना कर। ध्रुव चल पिया, रस्ते विच नारद मुनि मिले, उन्होंने पूछया किथे जा रहा है? जंगल विच जा रहा हां, मधुबन विच जा रहा हां, की करेगा? तपस्या करेगा, केस दी आराधना करेगा। ओ परमात्मा जिहड़ा सर्वव्यापक है, तेरी उत्थे रखिया कौन करेगा? जिहड़ा घर विच मेरी रखिया करदा सी उत्थे भी रखिया करेगा। नारद ने देखिया कि विश्वास है इसके मन विच, फिर जपेगा की? नारद ने उपदेश दे दिता, परमेश्वर नाम जप की गल की, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करी। और ध्रुव ने जाके जो साधना की ना, बड़ी कड़वी साधना की उसने, पहले महीने 3 दिन के बाद कोई फल खा लेना, दूसरे महीने 6 दिन के बाद कोई पत्ता खा लेना, फिर तीसरे महीने 9 दिन के बाद एक जल का घुट पी लेना, चौथे महीने एक साई ले लेना 12 दिन के बाद, पर जब 5वां महीना आया, पंचमे मास्य को प्राप्त जित श्वासो निपात मुझो राजे उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने 5वें महीने अपने सारू रोक लिया, परमेश्वर मजबूर हो गए
अपना सिंहासन छड़ के ध्रुव के पास आ गए। इतनी उसकी साधना हो गई, साधना उसकी कमाल हो गई। 5 बरे की उसकी उम्र सी। जे दूजे पासे प्रहलाद की गल करिए, प्रहलाद भी बड़ी छोटी जी उम्र सी, परमेश्वर नाम जपन लग पे। ते बाबे कबीर ने कहा, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। अध्यात्म दी दुनिया विच इस गल का कोई महत्व नहीं कि किसकी कितनी उम्र है। कोई छोटी उम्र दे विच भी अध्यात्मक तौर पर बहुत सुदृढ़ हो सकता है, और कोई बहुत वड्डी उम्र दे भी अध्यात्मकता के मार्ग तो बड़ी दूर हो सकता है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज 5 साल की उन्होंने उम्र सी जो तो गुरता गद्दी से आसीन हो गए। कुछ लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया, कीरतपुर की पवित्र धरती से ही सतगुरों का अवतरण होया, और कीरतपुर के कुछ दुखियां ने मजाक करना शुरू कर दिया। छोटी उम्र, इतनी छोटी उम्र के गुरता गद्दी से आसीन हो जाना कोई मजाक की गल है? इस अध्यात्मक जिम्मेदारी का निर्वाह करना, सत्संगत करनी, लोगों को आत्मक उपदेश देना, लोगों को विचार देना, लोगों को धर्म के मार्ग से चलाना कोई आसान काम है? तो लोगों ने ना मजाक करना शुरू कर दिया। एक बड़ा खोजा जहा मजाक किसी ने किया, कोई कोड़ी व्यक्ति उसनू ये कह दिता कि जे तू गुरु हरकृष्ण साहब के पास जाए ना ते तेरा घोड़दार रोग जड़ा है ना, कुष्ठ रोग है, दूर हो जाएगा। अमृत वेला है, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब सैर करने लई बाग वल जा रहे हैं। रस्ते विच ये घोड़ी आ गया, इसने मथा टेकिया, अरदास की, बेनती की, लोगी का प्रभु खंडो रोग, परमेश्वर कृपा करो, दुखियारे दा दुख दूर कर दियो, मैं तुहाडी शरण दे विच आया हाँ। गुरु हरकृष्ण साहब दे हाथ विच रुमाल सी, उन्होंने सहज ही रुमाल दे दिता। इस रुमाल नू गिला करके अपने शरीर ते फेरिया कर, तेरा कोड़ रोग दूर हो जाएगा। और सचमुच कुछ दिनों विच उस कुष्ठ रोगी दा कुष्ठ रोग दूर हो गया। गल औरंगजेब ते तक भी पहुंची, रूसिया ने दिनों दे विच औरंगजेब ने रोजे रखे सन, दिन वेले अपनी बंदगी विच भी रहिंदा सी, ते राज काज दे कम्मां करके रात भी बड़ी देर तक जागदा रहिंदा सी। कुछ ना खाण पीण करके इसका शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया। किसी हकीम ने सलाह दी, कुछ देर जाके कश्मीर में रहो, तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। तबीयत इसकी ठीक हो गई, जो तकलीफ पाई, बुखार आया, और कोई तकलीफ पाई वो ठीक हो गई, पर कमजोरी सी, क्या जाके कश्मीर में चले जा। औरंगजेब दिल्ली तो लाहौर वाले पास पहले आके गया, कुछ ठंडी मिठी रुत आ गई सी, फरवरी का महीना आ गया सी, माघ का महीना, फगर का महीना आ गया सी। औरंगजेब इत्थे रहा, और गुरु की महिमा बारे बहुत कुछ इसने सुनिया। बाबा राम राय नाल इसका व्यक्तिगत प्रेम सी, पर इतनी छोटी उम्र के इतनी उची अवस्था, इस गल ने औरंगजेब को कितने तक प्रभावित किया।
और फिर औरंगजेब चला गया कश्मीर कुछ दिन रहा, फिर वापस आया, फिर लाहौर रहा, लाहौर तो फिर दिल्ली आया। दिल्ली आके मिर्जा राजा जय सिंह दे राही इसने सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब नू दिल्ली विखे बुलाना चाहिए। राजा जय सिंह ने बड़ी निम्रता नाल बहुत सारे लोगों ने भेजा कि गुरु हरकृष्ण साहब नू बड़े प्रेम दे नाल दिल्ली लेके आना है। पालकी दे विच ये सारे लोग गुरु हरकृष्ण साहब नू दिल्ली विच लियाउण लई सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के पास बेनती कीती। संगत नू औरंगजेब द्वारा गुरु हरकृष्ण साहब नू बुलाउणा कुछ चंगा नहीं लगा। संगत दे मन विच कुछ शंके सन। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव महाराज नू भी लाहौर बुलाया सी। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नू भी ग्वालियर के किले विच बुला के कैद किया सी। औरंगजेब ने राज सत्ता संभाल ली। गुरु हर राय साहब नू बुला भेजिया सी, वक्री गल है। गुरु हर राय साहब गए नहीं सन, बाबा राम राय नू भेजिया सी। संगत दे मन विच कुछ संदेह सन, पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने संगत नू समझाया बुझाया और दिल्ली जाण लई तैयार हो गए। राह विच कुरुक्षेत्र रुके। कुरुक्षेत्र धर्म स्थान है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। समावेशता युयुत्सव नाम कहा पांडवास्तव किव प्रवत संजय श्रीमद भगवद गीता का पहला श्लोक है। कुरुक्षेत्र धर्म भूमि गया है। बड़े धर्म स्थान हैं, ब्रह्म सरोवर है, आदि काल तो जिसकी बहुत महत्ता है। सूरज ग्रहण के वेले वेले लोग इतने विशेष रूप में स्नान करना आते हैं। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जो कुरुक्षेत्र पहुंचे उठे ने लोगों ने सुनिया कि एक छोटी जी उम्र का बालका गुरका गद्दी ते आसीन है। उम्र उस वेले गुरु हरकृष्ण साहब की 7 साल दी सी। लोगों ने बड़ी हैरानी की गल सी। कुछ लोग दर्शन करने आए, दर्शन करन आए लोगों विच पंडित लाल चंद भी आया। कुछ लोगों ने इसका नाम किशन लाल भी पंडित लिखा है। पंडित लाल चंद के मन विच शंका सी। देखो जदों असीं किसी महापुरख के पास जाने हां साडी बिरती किहो जिही है, विचार योग गल यह है, साडे मन विच श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जे श्रद्धा है ते कुछ प्राप्ति होएगी। जे मन विच शंका है ते संशय आत्मा विनश्यति। संशय वाले व्यक्ति नु कुछ मिल नहीं सकता, उस नु कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। और मन विच शंका है, किसी वेले तर्क की दृष्टि नाल जाने हैं, किसी वेले भावना की दृष्टि नाल जाने हैं। गल भावना की है, मन में भावना कहो जी है, चंगी भावना होनी चाहिए है जो असी गुरु दरबार की चाहिए। उस वेले मन की बुद्धि चंगी हुए। पंडित लाल चंद के मन में एक शंका थी, इतनी छोटी गुरदा गति सुशोभ
ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਹਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਮਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵੀ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਮੂਰਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਵਾਮੀ ਈਸ਼ਵਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਦੇ, ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਆ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਮੌਲਾ ਕਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਉਹ ਆਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ ਦਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦਿਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਛੱਜੂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਛੜੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੜੀ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਛੱਜੂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਚ ਆਲਮ ਪੰਗੁਮ ਲੰਘੇ ਤੇ ਗਿਰਿਮ ਯਤ ਕਿਰਪਾ ਤਮ ਹਮ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਮਾਧਵਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪੜੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਖਲ ਕਹੀਏ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਤੁਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਤੁਰ ਵਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ,
पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर पकीता अखरे त्रिभुवन सूझिया गुरु भेट पुनीता। अंधे व्यक्ति नूं ते लोकी ने विच सब कुछ दिसण लग जांदा है, गुरु की कृपा हो जाए, पूरे गुरु की मेहर हो जाए। अज छजू ते इतनी कृपा हो गई, यो गीता दा ज्ञान बड़ी सहजता दे विच सुनाता जा रहा है। पंडित लाल चंद दी शंका भी निवृत्त हुई ते पंडित लाल चंद चुप गया। सतगुरु दिल्ली पहुंचे, राजे जय सिंह ने बड़े सत्कार दे नाल बंगला बनवाया सी। उस बंगले दे विच सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब ने बड़े अदब सत्कार सह कर किया। संगत आने लग पी, संगत जुड़ दिया, सत्संगत होती, सतगुरु पवित्र पावन उपदेश कर दे। अज पवित्र स्थान है बंगला साहब गुरुद्वारा। औरंगजेब ने इच्छा व्यक्त की गुरु हरकृष्ण साहब के दर्शन करने। हुण गुरु हरकृष्ण साहब अपनी मौज के मालिक, उम्र बहुत छोटी जी है, 7 साल तो कुछ वध हो गई। गुरु हरकृष्ण साहब ने ना कर दी, क्यों? उन्होंने तो किसी की परवाह नहीं है, परवाह ना ही ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ मुसलमान नो नहीं सन मिलना चाहते, इंज नहीं, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब औरंगजेब नु ते ना कर देंदे हैं, पर उस दे पुत्र दे नाल उसे बंगले दे विच मुअज्जम शाह जिसका नाम है शहजादे नु मिलते हैं, और शहजादे नु बाग दे विच बहुत सुंदर सुंदर फल खिलाते हैं, और कुछ तो ऐसे भी फल खिलाए गुरु हरकृष्ण साहब ने जेड़े बेमौसमी सन। उसने इच्छा व्यक्त की थी, उसने फल भी खिलाए। तो ये तो फिर गल ना बनी कि गुरु हरकृष्ण साहब किसी मुसलमान को नहीं मिलना चाहते, वो तो कोई अंतरा ही नहीं है, वो तो गुरु घर का सिद्धांत है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। लोगा भरम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सब ठाई। गुरु का दाता ए सिद्धांत है कि वो परमेश्वर सब जगह ते है, ते सब दे विच है, सब में रव रहे आप प्रभ एक है। पेख पेख नानक बिकसाई, गुरु करदा ते ए सिद्धांत है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है, कोई अंतरा ही नहीं। पर औरंगजेब नू ना मिलन दा एक कारण सी, औरंगजेब नू अपनी सत्ता दा अभिमान सी। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਵੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ।
उधर भावना भी रखता सी। उसने गुरु घर दे विच भी घटन पैदा करने लई, द्रोह पैदा करने लई भी जतन कीते और उस वेले भी कर लिया सी। इस करके औरंगजेब नूं सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने दर्शन देन तो इनकार कर देता। ओ सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जिन्हां दे दर्शन कीते आ दुख दरिद्र कष्ट सारे दूर हो जांदे आ। श्री हर कृष्ण ध्याई है जिस रिठे सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब दे मन विच सेवा दी भावना बड़ी प्रबल है और सेवा यो दे कोई रोगी है कोई दुखी है आप उसकी सेवा। चेचक की बीमारी फैल गई दिल्ली दे विच बड़ी माड़ी बीमारी सी। कुछ तो सधारण बीमारियां होंदियां आईया चलिया गई पर कुछ ऐसी बीमारी होंगी है जिसका भय ही बड़ा हो जाता है मन में। इसमें लाग की बीमारी या छूत की बीमारी जिम्मे अजकल असी सारे एक महामारी का शिकार हाँ। मन के भय बड़ा है किसी के नेड़े होके नहीं बैठना किसी को मिलना नहीं किसी नाल बहुती गलबात नहीं करनी संयम रखना है। पर चेचक की बीमारी तक यहोजी बीमारी सी शरीर के हिंसियां हो जानिया फिर उस दे विच पानी सिमन लग जाना। पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज आप सेवा विच लग गए दुखियां की सेवा। गुरु घर दे विच जिहड़ी दसवंध की माया सी उस नूं भी सेवा विच रोगियां की सेवा लई लगाओ रोगियां नूं लंगर पानी भी छकाओ ते आप भी गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दुखियां की सेवा जाके आप कर दे आप दवा दारू मलम पट्टी भी कर दे रोगी तक उन्होंने रोग तो दूर होने लग पे क्योंकि उन्होंने दर्शन का महत्व ही है। श्री हरकृष्ण ते आई है जिस रिठे सब दुख जाए। पर गुरु हरकृष्ण साहब महाराज क्योंकि आप बड़े नेड़े हो के उन्होंने लोकाई की उस वेले सेवा की थी ते उन्होंने आप चेचक का रोग हो गया। जमुना जी के किनारे जा रहने की व्यवस्था की थी और इतने ही सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पौने 8 साल की उम्र में ज्योति ज्योत समाए। जीवन का बड़ा छोटा जहा सब छोटी उम्र 5 साल की उम्र गुरदा गति की असी उम्र पौने 8 साल की उम्र के देवलोक गमन है। ये परंपरा गुरु घर की मर्यादा किवें अगे चलेगी सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने उत्थे एक संकेत दिता बाबा पकाले। हुण गुरु तेग बहादुर महाराज सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब के रिश्ते संबंध के विच दादा लगते हैं। बाबा गुरदिता दीन दुनी दा टिक्का जो मंगिया सो दिता। बाबे गुरदिते दे दो सपुत्र हन बाबे गुरदिते दे सपुत्र हन गुरु हर राय साहब और गुरु हर राय साहब दे सपुत्र हन धन गुरु हरकृष्ण साहब बाबे गुरदिते दे पोते हो गए और धन गुरु तेग बहादुर महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दी सब तो छोटी संतान है। बाबे गुरदित्ते दे प्राता हन ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने संकेत किया 5 पैसे नारियल सके परिक्रमा करके संगत दे प्रति संबोधन करके एक वचन किया बाबा बाबा बका और सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ज्योति ज्योत समय जमुना दे कंडे हो पवित्र स्थान
सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज अज पावन प्रकाश पर्व है। सतगुरु कृपा कर उन्हां दा दिन मनाया सफला होवे, उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा है वह सारे हिरदे विच बसी है। और आप संगत नूं बहुत बहुत बधाई। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री।